बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कविता। कविता ठीक है, कविता का नाम क्या है? आ जा चिड़िया। बच्चों क्या आपने चिड़िया देखी है? देखी है कि नहीं देखी है? ये देखिए, ये क्या है बताइए? ये है चिड़िया। क्या है? चिड़िया। और आज जो हम आपको कविता सुनाने जा रहे हैं वो है चिड़िया पर। कविता का नाम क्या है? आ जा चिड़िया। अब सारे बच्चे अपनी बुक खोलेंगे, सॉन्ग राइम एंड स्टोरी, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे देखिए हमारी कविता दी हुई है आ जा चिड़िया। अब सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकालेंगे और मेरे साथ साथ इस कविता को हम पढ़ते जाएंगे। आप भी साथ साथ बोलेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। ओके, हम शुरू करते हैं अपनी कविता आ जा चिड़िया। रेडी हैं आप सारे बच्चे? ओके। आ जा चिड़िया आ जा री, आ जा चिड़िया आ जा री, चुप चुप दाना खा जा री, मीठा गाना गा जा री, आ जा चिड़िया आ जा री। आती हूँ मैं आती हूँ, आती हूँ मैं आती हूँ, चुप चुप दाना खाती हूँ, चुप चुप गाना गाती हूँ, छत ऊपर उड़ जाती हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता। आप इसको याद करके और इसका वीडियो बना करके मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। तो हमारी कविता खत्म हो गई। अब आप सारे बच्चे अपनी बुक निकालेंगे, थीम 1 जो इंक्लूड्स फर्स्ट क्लासरूम। अब पेज नंबर आपको खोलना है। पेज नंबर है हमारा 3। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 3। और डे कौन सा है? डे 6। और डे 6 की क्या एक्टिविटी है मैं रीड करने जा रही हूँ। ट्रेस द सर्कल्स कलर दैट रेड। आपको दिख रहा है ना बुक में कि ट्री बना है और ट्री के अंदर कुछ सर्कल्स बने हैं। हमें क्या करना है? ये सर्कल्स जो है डॉट्स पे हैं। सबसे पहले हमें इन सर्कल्स को ट्रेस करना है। उसके बाद ट्रेस जब हो जाएगा उसको रेड कलर के क्रेयॉन से आपको उसको कलर करना है। ओके, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप जानते हैं सर्कल्स क्या होते हैं? सर्कल मतलब CIRCLE, सर्किल मतलब गोल, गोला का क्या होता है? सर्किल मीन्स क्या होता है? गोला का। ठीक है, ये कौन सा शेप हमें ट्रेस करना है यहाँ पे? सर्किल। सर्किल मीन्स क्या होता है? गोला का शेप। आपने देखा होगा, पॉइंट देखे हैं आपने, कैसे होते हैं? राउंड राउंड होते हैं ना, गोल यानी कि सर्किल, गोला का शेप होता है पॉइंट्स का। और क्या राउंड राउंड होता है सर्कल बताइए? पेंगल्स। आप ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये कौन है? ये कौन सा शेप है? ये है सर्कल। आपको दिख रहा है ना, एकदम गोलाकार शेप है ना, तो ये है सर्कल। और आपने रोटी देखा होगा, मम्मा बनाती है ना, रोटी भी सर्कल शेप होता है, गोलाकार होती है वो। ठीक है, आप ऐसी बहुत सारी चीजें देखेंगे तो आपको दिखेगा हाँ ये तो सर्कल शेप है। ठीक है, आप इस तरह से देखिएगा आपने आपके घर में कौन कौन सा शेप जो है सर्किल शेप में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए, मैंने बोर्ड पे बनाया है, ट्री बनाया है ना, ट्री के अंदर देखिए सर्किल्स बने हुए हैं और उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे। हम आपको बोर्ड पे बताते जा रहे हैं, आप अपनी बुक में 1 by 1 करके जैसे मैं ट्रेस करती जा रही हूँ आप ट्रेस करके मुझे सर्कल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम ट्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने फर्स्ट सर्कल को ट्रेस किया। ओके, आप भी साथ साथ करते जाइए। ये है हमारा सेकंड सर्कल। ओके, ये है थर्ड सर्कल। आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल सब गोल शेप में है ना, कोई इधर उधर से, सिर्फ एकदम सर्कल यानी कि एकदम गोलाकार शेप है। ये देखिए, मैंने 1 by 1 करके सब सर्कल्स को ट्रेस करती जा रही हूँ, आप भी ट्रेस करते जाइए।
देखिए जितने ट्री के अंदर सर्कल थे सब रेज हो चुके हैं। अब देखिए ये आप ट्री के बाहर भी कुछ सर्कल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं इसको बोर्ड पे बनाती जा रही हूँ, आप अपनी बुक इसको कंप्लीट करते जाइए। ये देखिए डॉट पे सर्कल बना हुआ है, मैं इसको देखो मैंने पहले बना लिया, अब इसको ट्रेस कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने ट्रेस कर लिया वन सर्कल यहाँ वाला, ये मैंने सेकंड सर्कल ट्रेस किया, ये मैं थर्ड सर्कल को ट्रेस करने जा रही हूँ, ये है हमारा फोर्थ सर्कल। सब देखिए एकदम गोलाकार शेप है ना। तो ये देखिए मैंने ट्री के अंदर जितने सर्कल थे उनको ट्रेस कर लिया और ट्री के बाहर जितने सर्कल थे उनको भी ट्रेस कर लिया। अब सारे बच्चे आपने भी अगर ट्रेस कर लिया सारे सर्कल्स को, अब आप इसको कलर करेंगे। कौन सा कलर करना है आपको? रेड कलर। आप सारे सर्कल्स को रेड कलर में कर दीजिएगा, ओके। अगर आपको इसको और सुंदर बनाना है तो आप ऐसा करिएगा ट्री को ग्रीन कलर से कलर कर लीजिएगा, उसके बाद जिसने सर्कल से रेड कर लीजिएगा और इसकी स्टेम को जो है ब्राउन कलर से कर दीजिएगा। तो देखिएगा इतना प्यारा पिक्चर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप अगर ट्री को भी कलर कर लीजिएगा उसके स्टेम को और सारे सर्कल को रेड कलर से, तो आपका ये बहुत प्यारा सा पिक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप इस वर्क को डन करके मुझे सेंड करिए, ओके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड सी यू टुमारो।